डंगरीज, पजामास, चिन्स, बैंडाना, कैलिको, कैश्मिया, कमरबंद, शॉल्स, इन सब शब्दों में कॉमन क्या है? असल में ये सब भारत की देन है। और अगर हम इतिहास में झांक के देखें तो फैशन की दुनिया को भारत ने इन शब्दों से कहीं ज्यादा दिया है। युगो युगो से इंडिया अपने मुलायम कपड़ों, खूबसूरत डाइंग, प्रिंटिंग की नायाब तकनीकों और हैंडीवर्क के लिए प्रसिद्ध है। दरअसल इंडियंस ने कपड़े बनाने की कॉम्प्लेक्स तकनीकें काफी पहले ही डेवलप कर ली थी। 11वीं सदी BCE के ऋग्वेद में परिधन या डाइड कपड़े और पेसस यानी खादीदार कपड़ों का वर्णन मिलता है। भारत के अनोखे क्लाइमेट की वजह से यहाँ कॉटन के पेड़ उगने लगे जिससे ये बनाए गए और जिनको बुन के ये बनाया गया कॉटन का कपड़ा। इस कपड़े के उत्पादन के लिए भारत को विश्व भर में जाना जाने लगा। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट और उनकी सेना 326 BCE में भारत की सरजमी पर पहुंचे, उन्होंने पाया कि यहाँ का कॉटन उनके गर्म ऊनी कपड़ों से कई ज्यादा आरामदेह था। दूसरी सदी CE तक इंडियन कॉटन भारी मात्रा में रोम और ग्रीस पहुंचने लगा। इनमें से एक प्रचलित फैब्रिक था हल्का और हवादार सादा कॉटन कपड़ा जिसका नाम था मसलिन या मलमल। कुछ आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि मसलिन शब्द असल में आज के आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम नाम की जगह से आया है। इस जगह को रोमन्स मेसोलोस बुलाते थे जहां से ये पतला कॉटन फैब्रिक एक्सपोर्ट होता था। भारतीय कपड़े न केवल पश्चिम में बल्कि पूर्वी देशों में भी लोकप्रिय हुए। 13वीं सदी CE में मार्को पोलो ने एशिया में अपने सफर की आपबीती लिखी। उन्होंने उसमें कोरोमंडल कोस्ट के बारे में लिखा जहां दुनिया का सबसे मुलायम और खूबसूरत कपड़ा बनाया जाता था बकरम, जो मकड़ी के जालों के रेशों जैसा था। कैम्बे के टेक्सटाइल सेंटर में नील की रंगाई और गुजरात में सूत की कताई, ये विशेष कपड़े चाइना और साउथ ईस्ट एशिया के राजा महाराजाओं के लिए एक्सक्लूसिवली एक्सपोर्ट किए जाते थे। यहाँ तक कि मलेशिया की राजसी हस्तियाँ भारत के प्रतिष्ठित कपड़े पहनती थी जैसे कि पटोला। 14वीं सदी CE तक सल्तनत राज में रेशम, सैटिन और ब्रोकेट खरीदने के लिए एक खास परमिट लगता था और सिर्फ धनवान लोग ही इसको हासिल कर पाते थे। ऐसा कहा जाता है कि एक सुल्तान ने तो 4000 रेशम के वीवर्स को विदेशी मेहमानों के लिए रोब्स ऑफ ऑनर, हैंगिंग्स और सोने के ब्रोकेट के उपहार बनाने के काम में लगा दिया था। मुगलों के राज में 16वीं सदी से तकरीबन 18वीं सदी तक भारतीय कपड़ों में कई जटिल और स्टाइलाइज थीम्स डेवलप हुई और साथ ही साथ फूलों के डिजाइन देखी जाने लगी। ऐसा कहते हैं कि इसकी वजह थी शहंशाह बाबर जिनको फूलों से गहरा प्रेम था। इनमें सदियों तक चाइना और यूरोप के इन्फ्लुएंसेस के मिलने से काफी बदलाव भी देखा गया, लेकिन ऐसे फूलों की डिजाइन आज भी काफी कॉमन है। भारतीय कपड़ों की रंगाई यानी डाइंग की भी एक अनोखी तकनीक थी जिससे कि रंग आसानी से छूटता नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, मैडर डाई का ये चमकीला लाल रंग 6 नाम के हर्बेशियस क्लाइंबिंग प्लांट्स की जड़ों से बनाया जाता था और जिसे सी शेल्स के चूरे से बनी कैल्शियम से भरपूर मिट्टी में उगाया जाता था, या फिर ये बैंगनी नीला इंडिगो जिसका डाई एक लेग्यूमिनस प्लांट से बनता है। हाल तो ये था कि 16वीं और 17वीं सदी CE तक आते आते भारतीय टेक्सटाइल दुनिया के हर उस कॉन्टिनेंट में बिकने लगा जहां इंसानियत मौजूद थी। पर इनमें ऐसा क्या था जो वो इतने लोकप्रिय हो गए? कुछ हिस्टोरियंस ने पाया कि इसका कारण था भारत के बिजनेस करने के अनोखे तरीके जिसमें खरीदारों को प्राथमिकता दी जाती है। हर डिजाइन यूनिक होती थी और हर देश में एक्सपोर्ट की हुई चीज दूसरे देश में बेची गई चीज से अलग होती थी। 150 अलग वैरायटीज तो केवल साउथ ईस्ट एशिया में बेची जाती थी। बुनाई में भारत की कुशलता, पक्की रंगाई और बारीक डिजाइन ने दुनिया भर का दिल जीत लिया। यहाँ के कपड़ों की इंडस्ट्री ने अलग अलग कल्चर्स के अनोखे डिमांड्स को स्वीकारा और इसी वजह से कई हिस्टोरियंस कहते हैं कि पूरी दुनिया में इसकी मोनोपोली स्थापित की। 1600 के शुरुआती दशकों में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पकड़ जमाई तो उनकी व्यापार बढ़ाने की मुहिम से भारतीय साजो सम्मान के एक्सपोर्ट को और बढ़ावा मिला। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कैसे मुमकिन था, तो ये कुछ ऐसे हुआ। उनके सोने चांदी जैसे लदे जहाज पहले इंडिया आते और यहाँ से कॉटन टेक्सटाइल खरीद ले जाते। चिंच और कॉटन कैलिको जैसे फैब्रिक्स यूरोप भेज दिए जाते, ना केवल पहनावे के लिए बल्कि दुनिया के अलग अलग कोनों में एक करेंसी के तौर पे। ये इतने कीमती समझे जाते थे कि मलय द्वीप समूह में इसके बदले स्पाइसेस और अन्य सामान खरीदा जाता और अफ्रीका में ये गिनी क्लॉथ यानी स्लेव्स की खरीद फारोख में दिए जाते। बाकी बचा कुचा कपड़ा अमेरिकास भेजा जाता जहां इससे शक्कर, तंबाकू और बाकी सामान के बदले यूरोपियंस द्वारा बेचा जाता।
जब भारतीय कॉटन यूरोपियन बाजार में बेचा जाने लगा तो वहाँ का फैशन अचानक बदलने लगा। कॉटन के होने से अब कहीं ज्यादा मुलायम और खुली खुली ड्रेसेस बनानी मुमकिन हो गई, जो कि दोनों फॉर्मल और इनफॉर्मल ओकेजंस के लिए उचित थी। होजरी के लिए अब रेशम या ऊन की बजाय कॉटन इस्तेमाल किया जाने लगा। ऊन और लेदर से बनने वाला आउटर वेयर अब कॉटन का होने लगा और लाइट ड्रेसेस में प्रिंटेड कॉटन दिखने लगा। कई लोग इंडिया के कॉटन के कपड़ों को ज्यादा डेमोक्रेटिक और प्रोग्रेसिव मानने लगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो ज्यादा सस्ता था और हर तबके के लोग उसको खरीद सकते थे। 18वीं सदी के बीच में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से फैब्रिक्स की डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ गई। भारत की आधुनिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री की शुरुआत 1818 में कलकत्ता के पास फोर्ट ग्लोस्टर में पहली टेक्सटाइल मिल की स्थापना से हुई। इसके बाद देश के अलग अलग शहरों में टेक्सटाइल मिल्स खुल गई, जैसे कि अहमदाबाद, बम्बई और कानपुर। यूके के इंडस्ट्रियल हब मैनचेस्टर से प्रेरित भारत को जल्द ही मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाने लगा। लेकिन अंग्रेजी शासन में भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री कमजोर होने लगी। हमारे कारीगर हाथ से काम करने के आदी थे और इस मशीनीकरण को चुनौती नहीं दे पाए। साथ ही साथ अंग्रेजों ने भारी टैक्सेस और प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। ऐसे नियम बना दिए गए जिससे हर बिक्री की कीमत और शर्त अंग्रेजी ग्राहक ही तय करते। भारतीय उत्पादक अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट ही वसूल नहीं कर पा रहे थे। दूसरी ओर यूरोप की मिल्स इन्हीं कपड़ों के सस्ते कॉपीज बनाने लगे और इंडियन डिजाइन्स को हल्का सा बदल के धांधले से उत्पादन करने लगे। कुछ रिसर्च के मुताबिक 19वीं सदी के अंत तक भारत, जो कि किसी जमाने में दुनिया के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स में से सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हुआ करता था, अब अंग्रेजी टेक्सटाइल्स का सबसे बड़ा इम्पोर्टर में से एक बन गया। पर भारत ने चरखे के दम पर अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखी। महात्मा गांधी जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत की इस खोई हुई ताकत को समझा और खादी को अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता के संघर्ष का एक प्रतीक बनाया। स्वतंत्रता के बाद से भारत ने टेक्सटाइल में अपनी पुरानी रौनक लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। पटोला साड़ी, पैठानी, बांधनी और बनारसी जैसी कई साड़ियाँ आज काफी प्रसिद्ध हैं। कपड़ों की दुनिया में इंडिया आज भी अपनी छाप छोड़ रहा है, चाहे फिर वो इंटरनेशनल रनवे हो या अलमारी में रखे हुए आपके कपड़े।